फिर जो आदमी डरता है वही आदमी ना इस तरह से बात करता है, वो क्या बोलेंगे कि हमारे नेता मोदी जी ने केवल और केवल झूठ कहा है पिछले 10 वर्षों में, किसानों को ठगा है, उन पर गोलियां चलाई है, उनके उपज को सरकारी जो गोदाम है उसमें ना रखकर आजादी के गोदाम में रखवाया है, युवाओं की नौकरी छीनी है, सेना को कमजोर किया है, हमारी जमीन चाइना को दी है, क्या बोलेंगे? तो ले लेके एक ही बात है, इन लोगों तो सोते जागते एक ही नाम जप रहा है, वो है हेमंत सोरेन। अरे नाम और जोर जोर से होगा, जपना पड़ेगा, और केवल ये झारखंड में नहीं जपना पड़ेगा, ये पूरे देश में जहां जहां आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज है, किसान है, मजदूर है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, वहां वहां हेमंत सोरेन बोलना पड़ेगा। दादा कब तक घोषणा करेंगे, उसकी कमी कितनी करेंगे इस चुनाव में आप लोग? हेमंत सोरेन हर वक्त हमारे साथ हैं, एकदम टेबल में आप भी करते हैं जी, नहीं आता है, और हेमंत सोरेन की उपस्थिति हमारी ताकत होगी, गुरु जी का निर्देशन होगा, और हम अपने प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा, हमारे जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के घोषणा के ठीक उपरांत कर देंगे। हमारे प्रत्याशीगण अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, और जिन क्षेत्र में हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं भी होंगे उस क्षेत्र के भी कार्यकर्ता अपने सहयोगी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के अपनी जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। कोई सीटों पर कोई पेच नहीं है, केवल और केवल हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कि वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। हम अपने प्रत्याशियों को आपसे तभी परिचय करवा देंगे। वही संभावना है, हम लोगों ने वही कहा है कि जब घोषणा हो तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि एक साथ हो जाए। कुछ नए चेहरे क्या देखने को मिलेगा जो हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि इस बार हेमंत बाबू जो है दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं क्या दादा हेमंत बाबू? अब देखिए हेमंत बाबू के लिए तो हर मेरा जिला का आदमी बोलता है मेरे यहाँ से लड़वाइए, तो दुमका भी बोल रहा है, जामतारा भी बोल रहा है, देवघर भी बोल रहा है, आपका पश्चिमी सिंहभूम भी बोल रहा है, खूंटी भी बोल रहा है, लोहरदगा भी बोल रहा है, गुमला भी बोल रहा है, सिमडेगा भी बोल रहा है। तो दादा एक सीट तो चुनना होगा ना? अब वो सीट तो हेमंत बाबू चुनेंगे ना, मतलब तय है लड़ेंगे वो चुनाव। अब ये उन पर डिपेंड करेगा, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। गांडे से कौन लड़ेंगे? आप अप्लाई कीजिए, जनरल सीट है, हम लोग विचार करेंगे। चर्चा आप लोग करते रहिए ना, आप लोगों को तनख्वाह दिया जाता है चर्चा करने के लिए, हम लोग को नहीं मिलता तनख्वाह। धन्यवाद। यह है कि हमारा जो उपवास का जो हमारा जो कार्यक्रम था, हाँ, ये उसको तत्काल हम लोग स्थगित कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए, और लेकिन हमारा जो पदयात्रा का कार्यक्रम है वो निरंतर जारी रहेगा, वो चलते रहेगा अपना चुनाव, वो चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा पदयात्रा, तो उसको स्थगित कर दिया गया। आज कोडरमा अंतिम आया था जी, उसको स्थगित कर दिया गया।